Hello my dear students and my dear friends. Today I am back again with a new video on framing different types of questions. Agar hum teaching ki baat kare, teaching involves many skills, many strategies, many methods, and a teacher should know all these to be a successful teacher. But jo main strategy jo ki usko successful banne mein मेजर अपना रोल प्ले करती है, दैट इज द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की बात करनी है तो कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे इसको हम फर्दर फ्रेम कर सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो किसी भी मशीनरी की वर्किंग प्रोसेस जो है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज इनपुट. लाइक हम कंप्यूटर्स की बात करें, इनपुट सपोज हम कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं 2+3, तो पहले हम टाइप करेंगे 2+3 ऑटोमेटिकली, देन देयर विल बी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जो है कंप्यूटर्स आपको उसका रिजल्ट देगा, विच वी कैन टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एन आउटपुट. इट मीन्स 2+3 को टाइप करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आने वाला है दैट इज 5. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 2+3 की बात करते हैं तो रिजल्ट वी विल बी गेटिंग दैट इज 6 इंस्टेड ऑफ 5. इट मीन्स एज द इनपुट सो इज द आउटपुट. और सेम ही चीज़ जो है किसी भी एजुकेशन की प्रोसेस में भी एप्लीकेबल है, बिकॉज एजुकेशन इट्सेल्फ इज ए यू कैन से इट्स अ मशीनरी. एज द इनपुट विल बी सो वुड बी द आउटपुट. सो इट मीन्स अगर हम टीचिंग को टेक्नोलॉजी के साथ कंसर्न करें तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर इनपुट हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कौन से टारगेट्स को हमने लेके जो है माइंड में टीचिंग को करना शुरू किया है, किस करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, उसमें कंटेंट क्या है, टीचर की एफिशिएंसी क्या है, ये सारा क्या है, ये उसका इनपुट प्रोसेस है. इवन जो हमारा एनवायरनमेंट है आसपास वो कैसा है वो भी इनपुट है. एक डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट के अंदर वी कैनॉट एक्सपेक्ट बेटर आउटपुट. उसके बाद प्रोसेसिंग उसको हमने कैसे दी. अब सपोज कंटेंट आपको जो है बहुत अच्छा आता है, बट किस मेथड के थ्रू आपने डिलीवर किया, क्या आपने सिर्फ उसको लेक्चर मेथड से ख़त्म कर दिया, कि साथ में कोई आपने टीचिंग एड यूज़ की है, कि कोई आपके जो है डिफरेंट स्किल्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन द क्लासरूम, हाउ द कंटेंट इज बीइंग डिलीवर्ड, दैट इज़ टर्म्ड एज प्रोसेस. और अगर हमने पढ़ाने के बाद बच्चों को इवेल्यूएट किया, उनके मार्क्स लगाए, उनको मेजर किया, कितने मार्क्स बच्चे के आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 20 है, वॉट विल बी टर्म इट एज, दैट इज़ evaluation or measurement. In terms of numbers it is measurement, in terms of quality it is an evaluation. अगर हम teaching की devices की बात करें तो there are two type of devices. One is non-fixing devices and other is fixing devices. तो पहली बात तो ये कि devices क्या है. Devices वो सारे हमारे actions हैं, हमारा कम्युनिकेशन है जिसको कि हम यूज़ कर रहे हैं, वो फ्री फॉर्म मोड जरिए जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग के दौरान, उसको हम नाम देते हैं डिवाइसेस. सो दो तरह के डिवाइसेस की बात की हमने यहाँ पर, नॉन फिक्सिंग डिवाइसेस एंड फिक्सिंग डिवाइसेस. अब डिफरेंस क्या है फिक्सिंग एंड नॉन फिक्सिंग डिवाइसेस का. नॉन फिक्सिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड बाय द टीचर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. इट मीन्स आपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है तो वो जो स्किल्स, वो जो डिवाइसेस आप यूज़ करेंगे उस टाइम, दैट इज़ टर्म्ड एज नॉन फिक्सिंग. तो ये सिर्फ नॉलेज की ट्रांसफरेंस में हेल्प करती हैं, जबकि फिक्सिंग डिवाइसेस का पर्पस जो नॉलेज उसके माइंड में आपने डाल दी, परी समझा दिया, अब उसकी जो है उसको हमने माइंड में फिक्स करना है. The process, the aim is to fix the transmitted knowledge.
तो उसको हम नाम देते हैं फिक्सिंग डिवाइसेस। तो बहुत सारे नॉन फिक्सिंग डिवाइसेस हैं हमारे, एक्सपोजिशन है, एक्सप्लेनेशन है, इलस्ट्रेशन, नरेशन, असाइनमेंट्स, होमवर्क, सो दीज ऑल आर नॉन फिक्सिंग डिवाइसेस। इस पर हम बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्वेश्चनिंग पर है। सो यहाँ जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है, क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द फिक्सिंग डिवाइसेस। इसका मतलब क्वेश्चनिंग पढ़ाए गए कंटेंट को माइंड में फिक्स करने के लिए यूज की जाती है। तो क्वेश्चनिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो बॉसिंग के लफ्जों में, उसके वर्ड्स में क्या है, नो टीचिंग मेथड कैन बी सक्सेसफुल कैरिड आउट विदाउट टेकिंग कोगिनेंस टू द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जब तक हमें क्वेश्चनिंग के बारे में नहीं पता है तब तक हम अपनी टीचिंग को सक्सेसफुली कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इन द वर्ड्स ऑफ पार्कर, क्वेश्चनिंग इज द की टू ऑल एजुकेटिव एक्टिविटी। कोई भी एजुकेटिव एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि क्वेश्चनिंग के बिना हम जो है प्रोसीड कर सकते हो। इट मीन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड डिवाइस और यू मे से स्किल। अब क्वेश्चंस को जो है हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैटेगराइज क्वेश्चंस। तो क्वेश्चनिंग को हम बेसिकली सिक्स टाइप से जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली बात तो टाइम ऑफ यूजेज के बेस पर कि हम क्वेश्चनिंग कब यूज कब कर रहे हैं। दूसरा, किन ऑब्जेक्टिव्स को हमने, किन उद्देश्यों को हमने माइंड में रखा है क्वेश्चनिंग को करते वक्त, क्या सोच के हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। फिर जो क्वेश्चन का जो आंसर हम लेने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी है, आंसर के लेंथ के बेस पर भी हम क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। देन थिंकिंग स्किल जो है कौन से इन्वॉल्व है उसके बेस पर हम नाम देते हैं थिंकिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चनिंग। उसके बाद कि क्या हमने रिस्पोंडेंट मीन्स स्टूडेंट को कोई चॉइस साथ में दी है या वो खुद जो है फ्री है अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए, उसके बेस पर भी क्वेश्चनिंग को कैटेगराइज किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके बेस पर भी हम क्वेश्चनिंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहली बात हमने की थी एट द टाइम ऑफ यूजेज। तो क्वेश्चनिंग आपने क्या किया, आप क्लास में गए, आपने क्लास में जाते ही पढ़ाना नहीं है, देयर यू विल बी आस्किंग अ सिंपल फ्यू क्वेश्चंस जस्ट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम नाम देते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसका पर्पस जो है स्टूडेंट को मेंटली रेडी करना होता है उस पर्टिकुलर लेसन के लिए, ताकि बच्चा आपके लेसन्स में इंटरेस्ट जो है वो लेना शुरू करे। इट इज़ टर्म्ड एज दैट प्रिपेयरिंग द सॉइल फॉर प्लांटिंग द सैपलिंग। अगर आपने कोई पौधा लगाना है मिट्टी में तो पहले आप मिट्टी को नरम करते हैं, उसको खोदते हैं, थोड़ा उसको जो है पानी देते हैं, उसके बाद आप उस पर सैपल डालते हैं। तो सैपलिंग जो है वो ऐसे अगर हम सपोज गए और मिट्टी के ऊपर रख दी तो पौधा नहीं उगेगा। सिमिलरली बच्चे को आपने मेंटली जब तक रेडी नहीं किया टू लर्न द कंसेप्ट तो बच्चा आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। दिस इज व्हाट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आप क्लास में गए और आपने बच्चे से पूछा, बच्चे हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट टुडे, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग द आंसर येस। सो व्हाट यू पीपल हैव ईटन इन द ब्रेकफास्ट, हियर द मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर यू बी गेटिंग। One may say ki I have taken milk, the other can say I have taken curd and prawn tea and so on. Now the third question will be why do we eat, hum khate hi kyun hai, to bacha aapko answer karega sir or ma'am for getting energy. So what is energy, define energy. Ab bacche ko bookish language mein jo hum ek scientific language energy ko define karte hain usko wo nahi pata. So then you can introduce your topic, okay today we will discuss about energy. तो अब बच्चे को यहाँ पे नीड हमने जो है जनरेट कर दी कि दैट देयर इज नीड टू लिसन द टीचर, नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दीज आर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस।
देन उसके बाद हम जब लेसन को पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे जाते हैं, दैट क्वेश्चंस आर टर्म्ड एज डेवलपिंग क्वेश्चंस. दीज क्वेश्चंस आर यूज्ड इन बिटवीन द टीचिंग. द पर्पस इज यू मे से मैनी पर्पसेस आर देयर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्पस बाई डूइंग क्वेश्चनिंग इन बिटवीन और वाइल टीचिंग, यू मे चेक वेदर योर स्टूडेंट्स आर गेटिंग यू, दे आर लिसनिंग यू. सो टू मेंटेन देयर अटेंशन वी कैन आस्क डेवलपिंग क्वेश्चन. सेकेंडली, वेन स्टूडेंट विल बी आंसरिंग योर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस वुड बी द काइंड ऑफ फीडबैक दैट दे आर गेटिंग यू, योर लैंग्वेज, योर थिंग, योर द कंसेप्ट, वट एवर यू आर टीचिंग, दे आर गेटिंग इट. तो इट मीन्स इसका जो पर्पस है वो उनकी अटेंशन को मेंटेन करना, खुद फीडबैक लेना और उनकी जो है नॉलेज को, लेवल को चेक करना. तो इस तरह से जो है डेवलपिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब टॉपिक को पढ़ाने के बाद, क्लास छोड़ने से पहले, जब हम टॉपिक को जो है चेक करते हैं कि जो हमने आज पढ़ा दिया क्या स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आ गया, तो आप रैंडमली जो है क्वेश्चंस पूछते हो जो भी आपने पिछले 20-25 मिनट में उस क्लास में पढ़ाया है. तो इस क्वेश्चंस को हम नाम देते हैं रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस, जिसको हम हिंदी पंजाबी में दोहराई वाले प्रश्न भी कहते हैं. द पर्पस इज टू रिवाइज द टॉपिक और टू गेट द फीडबैक कि वेदर दे हैव अंडरस्टूड और नॉट. देन इवेल्युएटरी क्वेश्चन का पर्पस होता है मूल्यांकन करना, चेक करना कि बच्चे को कितना समझ में आ गया. तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग. इट कैन बी द ओरल और रिटन टेस्टिंग. अब दूसरी बात जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव मींस हमने कौन से उद्देश्य जो है माइंड में लिए क्वेश्चन को बनाने के वक्त या उसको पूछते वक्त. तो पहली बात, क्या मैं बच्चे की नॉलेज को चेक करना चाह रही हूँ, या अंडरस्टैंडिंग को, या एप्लीकेशन को. तो बेसिकली अगर हम पढ़ाते हैं, तो अगर स्कूल लेवल की टीचिंग की बात करें, तो तीन जो है मेन ऐसे एरियाज हैं जिसको माइंड में रखकर, तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको माइंड में रख के पढ़ाया जाता है. पहला है नॉलेज बेस्ड, कि हमें बच्चों को नॉलेज देनी है. अगर बच्चे को नॉलेज हो गई तो बच्चा उसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह के डिजिट्स के साथ उस नॉलेज को अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा. दैट इज व्हाट दैट इज टर्म्ड एज अंडरस्टैंडिंग. और उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही वो उसको अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करने के काबिल हो जाएगा, तो उसको प्रयोग करने के काबिल हो जाएगा. तो उसको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चनिंग. तो अगर हम नॉलेज को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो नो डाउट नॉलेज को एवेल्यूएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नॉलेज को इवेल्यूएट करते हैं. और ये कौन से एक्शन वर्ड्स हैं? व्हाट, व्हाट इज दिस, राइट? व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज फोर्स, डिफाइन फोर्स, टेल मी अबाउट एनर्जी, गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी. मीन्स किसी भी टॉपिक को आप लेकर जब इन एक्शन वर्ड्स के साथ पूछते हैं, तो इसका मतलब है टीचर जो है बच्चे की नॉलेज को इवेल्युएट करना चाह रहा है. उसके अलावा अगर हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए डिफरेंट एक्शन वर्ड्स जो हैं, दैट इज टू कंपेयर, कि ओके टेल मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, या मुगल या गुप्त पीरियड में क्या डिफरेंस था. ओके एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल, तो व्याख्या करिए. डिफरेंशिएट, अब देखिए डिफरेंशिएट का पर्पस जो है दो तरह से हो सकता है. हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट दो तरह से कर सकते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज बताकर और उसमें डिफरेंसेस बताकर. तो डिफरेंशिएट दो बेस पे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए कह सकते हैं इलस्ट्रेट. व्हेन वी फील कि स्टूडेंट शुड यूज सम एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, तो उसको हम नाम देते हैं इलस्ट्रेट. इलस्ट्रेट जो है इट इज मोर देन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल. तो ये भी जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को शो करता है. देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस.
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मीन्स जब हम बच्चे को बोलते हैं फाइंड द लाइक डायमीटर इफ रेडियस इज गिवन लाइक इन मैथमेटिक्स, है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैथ में यूज होगा. फाइंड का मतलब पहचानो, मानचित्र में, मैप में ड्रॉ करो. तो ये फाइंड, कैलकुलेट, लेबल द डायग्राम, ड्रॉ द मैप, है ना, और लेबल द पर्टिकुलर स्टेट इन द मैप. तो ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, दीज आर बेसिकली कंसर्न विद एप्लीकेशन. सो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही. इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. Once again, thank you one and all.